दोस्तों मैं वसीम स्वागत वेलकम और खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में। दोस्तों आज हम हैं यूपी के बरेली शहर के रजऊ कस्बे में और दोस्तों ये ओम प्रकाश जी की छत है और सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ओम प्रकाश जी हैं। दोस्तों ये शौक जो है इनका बहुत पुराना चल रहा है, एक तकरीबन 50 साल से, और इनकी जो उड़ान है दोस्तों 20 नवंबर को होनी है। और आप देख रहे हैं सामने जो है इनके कबूतर हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ इनके जोड़ों वाले कबूतरों का शौक कराएंगे। पिछले लॉफ्ट में दोस्तों हमने इनके उड़ने वाले कबूतरों का शौक कराया था, इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको इनके जो नायाब कबूतर हैं, सजावपुरी नस्लें हैं और तिलर वाले दोबाज हैं, उनका शौक कराएंगे। आइए दोस्तों रूबरू कराते हैं आपको ओम प्रकाश जी, और उनके साथ में हैं अफजाल भाई और ये छोटा सा बच्चा जो शौक को यहाँ से करते हैं। आइए दोस्तों, क्या हाल है ओम प्रकाश जी? सब सही है, आपके दुआ सबके ऊपर वाली दुआ है। ओम प्रकाश जी ये जो शौक है आपका कब से चल रहा है? ये बचपन से चल रहा है, छोटे हैं करीब 10-12 साल के। अच्छा, तो किस तरीके के आपको जो कबूतर हैं वो ज्यादा पसंद हैं? सबका है जी, सबका कंसरे जी, जाल कंसरे और हरे जी, हरे खाते हैं जी। तो प्रकाश जी आपकी जो उड़ान है उसकी क्या डेट है? 20 तारीख। और दोस्तों यहाँ से शौक को करते हैं, एक ये छोटा सा बच्चा है और अफजाल भाई है। क्या हाल है अफजाल भाई? बढ़िया एकदम। तो अफजाल भाई आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है? तैयारी अभी तक तो ठीक ठाक चल रही है, बाकी आगे किस्मत जो करती है। जी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे उड़ने वाले कबूतर आपके आंखों के सामने हैं, और देखिए दोस्तों आपके आंखों के सामने तैयारी वाले सारे कबूतर हैं। और आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको वो सारे इनके जोड़ों वाले कबूतर। तो अफजाल भाई इसके अंदर जो सेटअप मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कौन से कबूतर हैं आपके? ये सर सब जोड़ों वाले कबूतर है पुराने, जिन्हें हमें उड़ाना नहीं है जी। आप इन्हीं के बच्चे उड़ाने में अपनी उड़ाते जी, हो? आइए दिखाते हैं दोस्तों वो कबूतर जो इनके यहाँ इनके ब्रीडिंग सेटअप है। देखिए दोस्तों इससे लाजवाब कबूतर देखिए सर, ये सजानपुरी हरा बहुत ही लाजवाब कबूतर। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे बच्चों का कबूतर। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जाने वाली नस्ल आपकी आंखों के सामने, इसके परों का शौक करा दीजिए, बहुत ही बड़े वजूद का कबूतर। तो इसके बच्चे आपके पास हैं इस वक्त? जी है, इसके उड़ रहे हैं इसके बच्चे जी। अच्छा मैंने सुना है कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नस्ल होती है नीलों की वो 3rd साल में जाके उड़ता है, ऐसा कुछ? जी ऐसा है, पहले साल में कम दम देते हैं ये। अच्छा, और दूसरी चीज नस्ल के अंदर जो है सयान बहुत होती है और दूसरी चीज कटते नहीं है, इसके पंजों का शौक करा दीजिए, छोड़ के दिखाइए। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद का कबूतर आपकी आंखों के सामने है, और साइज देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ा। नीले दिखाई दी और नीले दिखाई दी, नीले जी, ये ललदुम है जी, ये शायद दुम लाल है जी, ये संबल की नस्ल है मैं समझता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर आपके आंखों के सामने हैं। दोस्तों ये यूपी का शहर बरेली है और कस्बा बोलते हैं ये गांव जी। और दोस्तों ये शौक जो हम आपको ओम प्रकाश जी के घर से करा रहे हैं, देखिए दोस्तों सामने ओम प्रकाश जी हैं। जी देखिए ये सजानपुरी शिया शिया बहुत ही प्यारे वजूद का। दोस्तों साइज देख रहे हैं आप कितने बड़े साइज का कबूतर है ये, इसके पंजे दिखाते हैं दोस्तों। ये सब बच्चों वाले कबूतर हैं जी, इनके बच्चे लिए जाते हैं जी, छोड़ दीजिए।
ये दिखाई जी, ये वाला थोड़ा देखिए, पूरा जोड़ है, इसकी माला पकड़ लो, वो बैठ गई। देखिए दोस्तों साइज देखिए कबूतरों का, बहुत ही बड़े बजूर के कबूतर। इसके पर दिखाई जी, पर इसके पंजे दिखाई जी, छोड़ के दिखाई जी। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद का कबूतर, बहुत ही बड़ा। ये इसकी मादा है, ये मादा है इसकी जी। हाँ देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर, बड़े साइज देखिए दोस्तों। ये कहाँ की नस्ल है? ये शाहजहानपुर की नस्ल है, शाहजहानपुर से लाए थे जी। बहुत ही बड़े साइज का कबूतर, इसके परों का शौक करा दीजिए थोड़ा सा। इसके पंजे दिखा दें थोड़ा सा जी, छोड़ के दिखा दीजिए कबूतर। देखिए बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर आपके आंखों के सामने, एक से एक लाजवाब दोस्तों कबूतर आप इस छत पर देख रहे हैं। ये देखिए रामपुरी जालदार कलतरा काली आंख का। तो इसके बच्चे आपके यहाँ उड़ानों में उड़ते हैं क्या? हाँ। कैसा रिजल्ट रहता है? अच्छे उड़ते हैं, अच्छे उड़ते हैं। पर दिखा दीजिए थोड़ा सा, इसके पंजों का चौक करा दें जी, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा, कालियां के दर्रे जी। बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरीके के कबूतरों का मिलना। देखिए दोस्तों साइज देखिए कबूतरों का, बहुत ही बड़े साइज के कबूतर हैं। ऊपर देखिए दोस्तों पूरा ये जोड़ है कालियां का, इसके बच्चे उड़ रहे हैं, सफेद के कालियां के निकलते हैं जी। पंजे दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। ये देखिए बिजनौर की नस्ल है, क्या बोलते हैं इनको? लाल छपके, लाल छपके या अंबर सरे भी बोलते हैं शायद। पूरा जोड़ा ये जी। तो कैसा रिजल्ट है इनके बच्चों का? इनके बच्चे हुए नहीं, खत्म हो गए ये उड़ने। कबूतर बहुत अच्छा उड़ रहा था, मादा का कुंदा खराब हो गया था जी, तो ये बच्चों के लिए डाल दिया इधर जी, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों बिजनौर से आए हुए कबूतर हैं दोस्तों। यहाँ बरेली शहर में आपको हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से देखने कबूतर मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर हैं। ये देखिए हरा, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, बहुत ही प्यारा, उसी में का है ये कबूतर दोस्तों। इस तरीके कबूतर बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। आप देख रहे हैं साइज देखिए पहले कबूतर का, इसकी आँख देखिए, इसके पर देखिए। इसके पंजे दिखाते हैं दोस्तों, छोड़ दीजिए। ये देखिए काले दबाज इसके बच्चे उड़ रहे हैं, आपको दिखाई थी मैंने जी, वो पट्टी जो आपने दिखाई थी, बहुत ही प्यारी पट्टी है आपकी, वो बहुत ही लाजवाब कबूतर। इसके पंजे दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों पीलियां हो कलपरा, बहुत ही प्यारा वजूद का कबूतर। आईज दिखाते हैं दोस्तों, कितनी प्यारी इसकी आईज, इसके पर दिखा दीजिए, इसके पंजे दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों बुर्रे बोलते हैं शायद इसको, संभल की साइड,
संभल की नस्ल है, संभल की ब्रीड, उस साइड इसको बुर्रे बोला जाता है। बहुत ही लाजवाब दोस्तों कबूतर आप देख रहे हैं, बहुत ही मजबूत कबूतर है। इसके बच्चे हैं आपके पास, इसके परों का शौक करा दीजिए थोड़ा सा। इसके पंजे दिखा दीजिए, देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब कबूतर। देखिए दोस्तों हिंदुस्तान की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही प्यारा कबूतर। अरे जी देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे कबूतर, जी दिखाइए। इसका नर कहाँ है? इसका बोखर, इसका बाल है। ये नर ला इसका उठा के वो रखना, नर तो ये जाने दो। मादा क्या बोलते हैं इसको? कचो हरे, कचो सजानपुरी प्योर जी, असली है ये कचो सजानपुरी जी। अभी इसका नर भी दिखाते हैं, बहुत मजबूती होती है इस नस्ल के अंदर। तो जैसे हम बात करें शाहजहांपुर की नस्लों की, तो कुछ नीले हरे होते हैं, जो नीले हैं, कुछ चिट्टे हरे होते हैं जी, जी, तो, असली हैं। अच्छा तो कौन सी नस्ल जो है सब में से बेहतर रहती है? ये ज्यादा बेहतर है, ये वाला, ये वाला जी, ये वाला इनको बोलते हैं फुंगेदार हरे। ये जो है हरे, ये फुंगेदार हरे बोले जाते हैं। देखिए दोस्तों आइस देखिए और इसकी चोंच देखिए, कितनी छोटी सी चोंच है, बहुत ही लाजवाब। इसके पर दिखा दीजिए, बहुत बड़े साइज का कबूतर है ये जी, बहुत ही बड़ा साइज का कबूतर है ये सब। हा? जोड़ बंदी वाले कबूतर पुराने जी, बहुत ही लाजवाब खूबसूरती। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बहुत दूर से कबूतर आए हुए हैं और माशाल्लाह उड़ान इनमें इतनी है कि ये सारे उड़ रहे हैं। मैंने दिखाए थे दोस्तों पिछली वीडियो में भी, ये देखिए उसी में के हरे हैं, ये सब उसी में के हैं हरे जी, बहुत ही प्यारे। ये सब कबूतर इधर डाल रखे हैं बच्चों वाले जी जी, इसके परों का थोड़ा सा शौक करा दें। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब दोस्तों, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनकी तारीफ के लिए, इतने खूबसूरत कबूतर हैं। और दोस्तों ये सारे कबूतर जो हैं हाई फ्लायर कबूतर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की एक बहुत ही फेमस ब्रीड नीलो की जो मशहूर है शाहजहांपुर में, वो ब्रीड का हम आपको शौक करा रहे हैं। जानवर ने मार दी, जानवर ने कुंदा फाड़ दिया इसका। सर ये 2 बजे कबूतरी आ रही थी, इसे जानवर ने फाड़ दिया था जी। ये देखिए बेकार हो गई उड़ने से, बहुत ही लाजवाब। इसके परों का शौक करा दीजिए, चिलपरे ने इसको फाड़ दिया था जी, ये बेकार हो गई। इसके पंजों का शौक करा दीजिए, ये थोड़ा सा खैरे दिखा दीजिए, खैरे ये बहुत उड़ने वाला कबूतर है, लेकिन पर गिरा गया टाइम पे जी, इसलिए नहीं इसको उड़ा पाए। कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारे वजूद का कबूतर दोस्तों, खूबसूरती देखिए कबूतर जी। छोड़ दीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर कबूतर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, हम आपको देख करके नहीं दिखा सकते और वक्त की कमी है। ये पीले आपको कौन सा कबूतर है? इसके पर दिखाते हैं, इसके पंजे दिखाते हैं दोस्तों, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कबूतर होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते और वक्त की कमी है ओम प्रकाश जी के पास और अब्दाल भाई के पास। ये देखिए हमारा पुराना कबूतर दोबारा साव बनजोड़ है, इसकी मादा उड़ रही है, ये कबूतर पुराना हो गया है जी, इसलिए इसको नहीं उड़ा रहा है, इसके बच्चे उड़ रहे हैं।
आइज देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर हैं। छोड़ दीजिए दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा।